मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इन सफलताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी, देश भर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो, भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर भी बल दे रहा है। आज कोरोना के दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल गया। कोरोना के बाद भी पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। कोरोना के दौरान दुनिया ने भारत के प्रयासों को देखा भी है और सराहा भी है। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र।
ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बड़े परिवर्तन लाने के लिए, बड़े रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। रिफॉर्म को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। अमृतकाल के इस दशक में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को और उसमें हमारी प्राथमिकता होगी नागरिकों को जो कुछ मिलना चाहिए, जो सर्विस डिलीवरी है वो लास्ट माइल तक, लास्ट व्यक्ति तक सीमलेस, बिना झिझक, बिना कठिनाई से उसको पहुंचे। देश के समग्र विकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं का बेवजह दखल समाप्त करना ही होगा। पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, ये उस समय की शायद मांग रही होगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बीते 7 वर्षों में देश में इसके लिए प्रयास भी बढ़ा कि देश के लोगों को अनावश्यक कानूनों के जाल, अनावश्यक प्रक्रियाओं के जाल से मुक्ति दिलाई जाए। अब तक देश के सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका। बना रहे हैं, ये हमारे लिए आज फख्र की बात है। हमें लग रहा है जैसे वो आज़ाद कश्मीर, जैसे आज़ाद हम हो गए आज। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि एक ना मिलिटेंसी का डर, ना कोई, ये सब लोग घरों से निकले और इंडिपेंडेंस डे बनाया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज कि 70 साल के बाद ऐसा दिखने को लगा। देखिए, आज मुझे लगता है 30 साल बाद सेलिब्रेशंस कुछ इस अंदाज में हुई हैं कि जिसमें पूरा वैली जुड़ के हिस्सा लिया है। आज इस वक्त हम घंटाघर पे ये लाइट्स देख रहे हैं, कैंडल्स देख रहे हैं, दिए जलाए गए हैं इंडिपेंडेंस की खुशी में। लेकिन सिर्फ लाल चौक में ही नहीं, आज
वादी कश्मीर में मल्टीपल लोकेशंस पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को मनाया गया, जहां पे आप हरी पर्वत में 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग की बात करें या और किसी एक्टिविटी की बात करें जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देखी गई थी। सो इन सारे एक्टिविटीज़ को देख के हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ बिगर चेंज, द चेंज विच वी टॉक अबाउट फॉर न्यू कश्मीर। सो उस चेंज को देख के हम काफ़ी खुश हैं। Day by day, so we have been coming here, so our family is back in there. We are so worried about them, what will be the situation like. It is, we are hearing the rumors that Kabul is going to capture in a few days. So our complaint is not from Taliban, because Taliban have said and did what they said, but the promise of our leaders who make themselves leaders, their said is not uncertain. We don't know, like they are saying us that we will going to protect, we are going to defend, but now all, everybody is silent, all the world is silent, like we don't know, like we are speechless. We can't, we just, like the future of people of Afghanistan is back to 100 years back. प्रोविंस में तो लड़ लड़ के प्रोविंस तालिबान ने अपने हाथ में लिया, बट काबुल को प्रोविंस मतलब कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान को, काबुल को हमारे गवर्नमेंट ने बग़ैर कोई लड़ाई, बग़ैर कोई फायरिंग, बग़ैर कोई अटैक तो तालिबान को दे रहे। अभी गवर्नमेंट चेंज हो रहे हमारे ख्याल में, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों से, अफगानी लोगों से, इंडियन लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा है।
As far as I came from Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. There will be a new government, maybe a new settlement. So yet it's not clear who will be next president, what will happen. So everyone is waiting. When I came to airport, it was 1 o'clock in the noon. Yeah, the people were very worried. वहाँ पे का जो बताया जा रहा है लेडीज के लिए खतरा है क्या 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 डर है सब के लिए मामी जान Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.